खबर आपको बता दें, बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में शरद पवार शामिल नहीं होंगे। विपक्ष की इस बैठक में 23 दल शामिल हो रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हालांकि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि शरद पवार जो हैं वो नहीं शामिल होंगे। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आखिर एनसीपी में फूट देखने को मिली और अजीत पवार जो हैं वो किस तरीके से अलग हो गए, और इसी बीच अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि शरद पवार जो हैं बैठक में शामिल नहीं होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, यही कहा जा रहा था पहले भी कि शायद शरद पवार जो है इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, हालांकि ममता बनर्जी ने पहले ही किनारा कर लिया है, लेकिन वो 18 तारीख को जरूर शामिल होंगे। हाँ, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो विपक्ष की मीटिंग हो रही है बेंगलुरु में, उसमें सबसे बड़ा जो नेता था वो शरद पवार थे, और शरद पवार के ना जाने से ये बहुत बड़ा झटका विपक्ष की मीटिंग को लगा है, क्योंकि तमाम विपक्ष के नेता आज बेंगलुरु में पहुंच रहे हैं और शाम को ये बड़ी मीटिंग हो रही है, और माना जा रहा है कि पूरी मीटिंग को जो लीड कर रहे थे वो शरद पवार खुद थे। इसलिए अब शरद पवार का ना जाना इस मीटिंग का कोई महत्व अब नहीं बचता है, क्योंकि और ये जानकारी नहीं मिली है कि आखिरकार शरद पवार ने अचानक अपना प्रोग्राम जो शेड्यूल है पूरा क्यों चेंज कर दिया। कल शाम तक तय था कि शरद पवार बेंगलुरु जा रहे हैं विपक्ष की मीटिंग में, लेकिन आज सुबह उन्होंने अपना जो प्रोग्राम है वो पूरी तरह से बदल दिया है और बेंगलुरु का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष की जो मीटिंग है उसमें शरद पवार नहीं पहुंच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो विपक्ष के जो लोग हैं वो किस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, किस किस टॉपिक पर बातचीत होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कल तक शरद पवार का शेड्यूल तो जाना है, लेकिन आज सुबह उन्होंने अपने पूरे प्लान में चेंज कर लिया है, और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर दिन राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं उसको लेकर भी अब कई कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल अजीत पवार गुट पूरे लोगों के साथ शरद पवार से जब मिलने गए थे तो प्रफुल्ल पटेल ने 700 रुपये कह दिया था शरद पवार से कि एनसीपी को एक होने की जरूरत है, एक पार्टी होने की जरूरत है, जिस पर शरद पवार ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं अब कयास लगा जा रहे हैं कि क्या शरद पवार आने वाले दिनों में एनसीपी को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल विवेक, नजर बना के रखिएगा, फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बहुत बड़ा झटका जो है इस बैठक को लगने जा रहा है, जहां पर शरद पवार बड़े नेता शामिल नहीं होंगे विपक्षी दलों की इस बैठक में। और अब बढ़ते हैं आगे, दक्षिण कोरिया में भी भारी बारिश और बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, जहां बाढ़ और चट्टान खिसकने से कई लोगों की मौत हो गई, हालांकि राहत और बचाव काम जारी है। दक्षिण कोरिया की सरकार ने रिपोर्ट जारी कर बताया कि 37 लोगों की मौत हुई, जबकि हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला गया। सबसे अधिक नुकसान मध्य दक्षिण कोरिया में हुआ, जहां सिर्फ दो कस्बों में 9 जुलाई से अब तक करीब 60 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि देश के मध्य और दक्षिणी इलाकों में मंगलवार तक 30 सेंटीमीटर अतिरिक्त बारिश होने का अनुमान लगाया गया। हालांकि बाढ़ की वजह से कई इलाकों में भयंकर तबाही देखने को मिली, जिसमें 50 से ज्यादा सड़कें और 100 से ज्यादा घर बर्बाद हो गए और करीब 27,000 घरों में बिजली आपूर्ति बंद हो गई। दक्षिण कोरिया में बाढ़ बारिश से 37 लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। मध्य दक्षिण कोरिया रविवार को बचाव कर्मियों ने एक एक कर शव निकाले। दमकल कर्मियों के मुताबिक भारी बारिश की वजह से नदी का तटबंध टूट गया और अचानक आई बाढ़ की वजह से इस अंडरपास में करीब 15 गाड़ियां डूब गई। दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी के मुताबिक अंडरपास से बचाया गया एक आदमी सरकार पर बरस पड़ा कि अगर पहले से पता होता तो सुरंग को बंद क्यों नहीं किया गया। उस आदमी का भतीजा अब भी लापता है। बचाव कर्मियों के मुताबिक अभी उन्हें नहीं पता कि कितने लोग लापता है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में बचाव कर्मी लोगों की तलाश में जुटे हैं और अभी तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं और कुछ लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया।